वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने खालीपन को, अपने खाली समय को आप यूज़ कर सकते हैं कुछ नई चीज़ सीखने में। तो मैं आईटी पर्सन हूँ, आईटी रिलेटेड वर्क करता हूँ, तो आईटी रिलेटेड चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या किया जा सकता है। COVID-19 का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन हो रखा है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, इंडिया में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो बैठे बैठे पुराना मेरा इंटरनेट कनेक्शन था घर पे, लेकिन वो मैंने हटा दिया था, तो लॉकडाउन के चक्कर में आपको इंटरनेट अभी कोई भी नहीं मिल पाएगा नया इंटरनेट कनेक्शन। मेरे पास पुराना डिवाइस पड़ा था माइक्रोटिक का, तो उसी को मैं अपने रूफटॉप पे जो लगा हुआ था उसी को मैंने एक्सेस किया बैठे बैठे, उसकी फीचर्स को चेक कर रहा था। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना इसको कुछ किया जाए इसके साथ में। तो मैंने सिंपली क्या किया कि अपने उस डिवाइस को एक्सेस किया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी, ताकि आप भी वो चीज़ें अपने डिवाइस में कर पाओ। आपके पास में अगर कोई एडिशनल डिवाइस पड़ा है तो मैंने उसको एक्सेस किया। ये डिवाइस है, इसको मैंने एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद मैंने इसको ब्रिज मोड पे रखा और इसको स्टैटिक आईपी दे दिया। यहाँ पे जब हम नीचे देखेंगे फ्रीक्वेंसीज, ये वो ISPs हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं मेरी सिटी में। तो बेसिकली जो प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका इंटरनेट देने का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उनका कुछ ऐसा रहता है कि मैक्सिमम ISP जो प्राइवेट वाले हैं वो माइक्रोटिक के डिवाइसेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिकेशन रहता है इनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का वो PPPOE डायलप सर्वर रहता है, और ऑथेंटिकेशन के अंदर में ये जो डिवाइस का मैक एड्रेस है उसको लेते हैं। दो चीज़ों पे ये फोकस करते हैं, एक तो डिवाइस का मैक एड्रेस प्लस PPPOE यूजर नेम पासवर्ड डायलप सर्वर। तो मैंने कनेक्ट किया, काफ़ी ओपन आपको भी मिल जाएंगे, आप सिटी में आप चेक करेंगे तो आपको काफ़ी ओपन मिल जाएंगे, जैसे ये P2P गंगा है और इसके अंदर में एक NG बेस करके भी है, ये भी एक ओपन है। मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ स्पेशली क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास बहुत अच्छी आ रही है, जो ब्लू कलर में आ रही है ये बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये रेड वाली है ये बहुत पुअर है, ग्रीन वाली ऑरेंज वाली ठीक ठाक है। तो मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि आप ऑरेंज वाले को कनेक्ट करें ताकि कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपके इशू ना आए, उसके बाद में ही आप नेक्स्ट प्रोसेस करें। तो मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करता हूँ तो मेरा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद में ब्रिज मोड पे, ठीक है, फिर मैंने इसको ब्रिज मोड पे सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कर दिया अप्लाई। राउटर मोड पे मैंने इसको कनेक्ट किया, फिर मैंने इसको ब्रिज मोड पे कर दिया, स्टैटिक आईपी डाल के छोड़ दिए, सेम आईपी मैंने अपने सिस्टम अपने लैपटॉप में कॉन्फिगर कर लिया, फिर मैंने इसको अपने अप्लाई को प्रेस कर दिया। अप्लाई प्रेस करने के बाद में मैंने माइक्रोटिक का जो टूल आता है विन बॉक्स इसको इंस्टॉल किया। इंटरनेट में के इंटरनेट से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं टूल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो जो भी डिवाइसेस आप जिस ISP से कनेक्टेड हुए हैं उसके वाईफाई से, उसके सारे क्लाइंट के डिवाइसेस आपको दिखने लग जाएंगे, क्लाइंट प्लस AP साइड। तो ये जो सेक्टर 9 कुलायत मेन डिवाइस P2P नपासर, ये जो B2P बाफना, ये जो सारे आ रहे हैं डिवाइस जिनके IP एड्रेस आपको दिख रहे हैं ये सारे APs हैं, और जिन जिनके IP एड्रेस के आगे 0.0.0.0 आ रहा है ये सारे क्लाइंट हैं, मतलब कि ये उनके कस्टमर हैं ISP के। तो इसमें नोट डाउन करने वाली चीज ये है कि अगर इस डिवाइस का मैक एड्रेस, क्लाइंट डिवाइस का मैक एड्रेस हमको दिख रहा है मालूम है, पर इसका PPPOE यूजर नेम पासवर्ड क्या है हमें मालूम नहीं है,
अगर हम वो हमको मिल जाए, पता चल जाए, तो हम अपने डिवाइस को क्लोनिंग करके, क्लोनिंग इन द सेंस इसका आइडेंटिटी नेम, इसका मैक एड्रेस हम अपने डिवाइस में पुट करके और उसका पीपीओ डेवलप यूजर नेम पासवर्ड डाल के इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले, अब आप इसको अगर आप चाहते हैं एक्सेस करना तो ये एक्सेस नहीं हो पाएंगे जो क्लाइंट डिवाइसेस हैं इजीली। सबसे पहले आपको एपी साइड के डिवाइसेस को एक्सेस करना होगा। इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये जो आईपी एड्रेस है 192.31.120.1, इसके आईपी एड्रेस को आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में कॉन्फिगर कर लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं इसको पिंग करके बताता हूँ आपको। पिंग स्पेस -t और 172, जैसे मान लीजिए ये आईपी है सेक्टर 3 ले लेते हैं आईपी, ये पिंग नहीं कर रहा है अभी, ये वाला सेक्टर 9, जो सेक्टर 29 उन्होंने लगा रखा है ये पिंग नहीं कर रहा है, इसका आईपी यही है। लेकिन अगर मैं अपने ही लैपटॉप में, क्योंकि मेरा जो डिवाइस से कनेक्शन है वो ब्रिज मोड पे मैंने कर दिया था, वो मैंने इसको ब्रिज मोड पे कर दिया है, यहाँ पे ब्रिज है, तो मैं अगर आईपी डाल दूँगा अपने सिस्टम में यही सेम सीरीज का, तो ये पिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं दो आईपी डालूँगा, एक तो एग्जिस्टिंग मेरे नेटवर्क का जो मेरा चल रहा है 192.168.99.88, ये मेरा नेटवर्क, प्लस ब्रिज वाला नेटवर्क 172.31.120 और लास्ट फ्री आईपी इनका कौन सा है वो डालना है। तो इनका लास्ट मैक्सिमम 37 तक है, तो मैं 30.40 डाल देता हूँ, टैप देता हूँ, सबनेट मास्क 255, एड ओके कर देता हूँ। ये ओके करने के बाद में अब मैं चेक करता हूँ जो मैंने पिंग किया था इनमें से डिवाइस का रिप्लाई आना चाहिए। दूसरी डिवाइस चेक कर लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 16 के बाद में 17 नहीं है, तो मैं 17 ले लेता हूँ। सबनेट का इशू रह सकता है, अगर सबनेट मास्क यहाँ पे 129 कर रखा है उन्होंने तो इतने ही पिंग करेंगे डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे 17 ले लेता हूँ एक बार, ये देखिए पिंग आ गया, और वैसे ही 120.1 पिंग आ गया, रिप्लाई आ रहा है बराबर, वैसे ही मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये रिप्लाई आने लग गया है, मैंने सेम सीरीज का आईपी डाल दिया, ब्रिज मोड पे कनेक्शन था। अब आपको क्या करना है, बेसिकली पाइथन इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ में, उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल सा सेटअप है, exe है, डबल क्लिक करना है, रन इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल हो जाएगा इजीली। उसको रन कैसे करना है, वो इंस्टॉल करना है आपको सी ड्राइव में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सी ड्राइव के अंदर में मैंने पाइथन को यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकेशन इसकी आ गई। cmd ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cmd, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन करेंगे। यहाँ पे हम cd /लिख के एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cd स्पेस पाइथन 34, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन .exe, विन बॉक्स एक्सप्लोइट की हम स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
सिंपली आपको करना क्या है, उस स्क्रिप्ट को, उस फोल्डर की जो भी डेट फाइल ले जाएगी उसको कॉपी करके सी में पाइथन 34 के अंदर में कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब पेस्ट कर देंगे सिंपली, और कुछ नहीं करना। विन बॉक्स क्या चीज़ है? विन बॉक्स यही है, इसको ही विन बॉक्स बोलते हैं। विन बॉक्स का 64-bit वर्जन है 3.2, यही है। तो इसका एक्सप्लोइट हम रन कर रहे हैं, तो py लिखेंगे विन बॉक्स एक्सप्लोइट py, और उसके बाद में IP एड्रेस जिसका आप लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड जानना चाहते हैं। तो हम वापस चेक करते हैं कि हमको किसका जानना है, उसके लिए हम वापस जाते हैं। जैसे ये लिखा है चिराग AP, तो इसका IP है 31 लास्ट में। इसको मैं फर्स्ट पहले पिंग कराऊंगा, रिप्लाई आ रहा है। अब मैं वापस CMD में जाके कमांड में जाऊंगा और यहाँ पे इसका IP लिख दूंगा 172.31.120.31, और एंटर करूंगा। एंटर करते ही इसने बता दिया यूज़र नेम इसका है एडमिन, और इसका पासवर्ड है M कैपिटल BKN। तो M कैपिटल BKN इसका यूजर नेम पासवर्ड है। अब इसको चेक कर लेते हैं, IP से खोलेंगे पहले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ M कैपिटल BKN, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। और ये लॉगिन हो गया। तो हमने ISP का एक एक्सेस पॉइंट, ISP का बहुत बड़ा नेटवर्क है आपकी सिटी में, उसका एक एक्सेस पॉइंट को हमने एक्सेस कर लिया है। ये उसकी पूरी सेटिंग है। ध्यान रखिएगा, ये सब एक एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। कुछ भी गलत हरकत ना करें, क्योंकि इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर में, गलत काम किया जाएगा। तो इसलिए आप इसके ऊपर में ऐसे कोई भी हरकत ना करें, ये एक एज ए एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको एज ए एजुकेशन ही समझें, इसको देखें, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इनका सबनेट मास्क जो इंटरनेट पब्लिक IP का रहता है, वो इनका है 255 255 255। इन्होंने जो अपना इंटरनल IP बना रखा है उसका इन्होंने गेटवे सबनेट मास्क ये कर रखा है डॉट में 192। तो 26 तक इनके जो IP एड्रेस है वो ही आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इस हिसाब से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से APs का आपको देखने को मिलेगा। तो इनका मेन बेसिकली काम करता है इनका MAC एड्रेस जो ये ऑथेंटिकेशन के लिए रखते हैं, प्लस इनका PPPOE डायलप सर्वर जो है उसके अंदर में यूजर नेम पासवर्ड क्या है क्लाइंट के, वो ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा, और इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से ये रहता है। तो उसके बाद में सेम जिस तरह से AP में लॉगिन किया गया, उसी तरह से आप क्लाइंट साइड में भी जा करके बाय MAC एड्रेस आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है। किसी भी तरह की अगर कोई वॉयलेशन आप करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, और आपको उसकी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा प्रॉब्लम होने के बाद में, और आपके परिवार वाले और उससे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए ये इस एजुकेशन पर्पज़ से ही वीडियो को लें और कोई भी गलत काम ना करें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।